क्या कहते हैं दोस्त आप, मैं गांव से हूं, मैं गरीब हूं। आज आपके वो सारे सवालों के जवाब दूर हो जाएंगे, क्योंकि आज करेड़ा गांव गुजरात के अंदर आ चुके हैं और ये सारा का सारा काम घर से किया जाता है। घर के पीछे होलसेल का काम, घर के आगे रिटेल का काम, पूरी जानकारी, सक्सेस स्टोरी, रियल में जो आदमी इस काम को कर रहा है वो आपको अच्छे से बता पाएगा क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको सदाबहार बिजनेस दिखाएंगे और वो भी एक सक्सेस स्टोरी, गांव में रहकर एक व्यक्ति किस तरीके से अच्छी आमदनी जनरेट कर सकता है उस वीडियो में पता चलने वाला है। गांव में शुरू करें और महीने के लाखों रुपए कमाए। दोस्तों इस बिजनेस की अच्छी बात क्या है कि आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, गांव से शुरू कर सकते हैं और अपने परिवार के सभी लोगों के साथ जोड़कर इस बिजनेस को शुरू करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। यह है किशोर जी, जो कि अपने गांव में रहकर ही महीने की अच्छी आमदनी कर रहे हैं। घर के पीछे की तरफ सेटअप लगाकर वहां से करते हैं होलसेल में सप्लाई और पर पीस के साथ 1 या 2 रुपए बचाते हैं। पर डे की 5,000 से लेकर 10,000 की प्रोडक्शन करते हैं और सामने है इनकी दुकान, वहां पर इन्होंने सेटअप लगा रखा है रिटेल के लिए, मतलब उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं और अच्छा मुनाफा, मतलब पर पीस के साथ 3-4 रुपए कमाते हैं। इस वीडियो के अंदर हर एक चीज दिखाने की कोशिश करेंगे। आप पहुंचे हैं करेड़ा गांव गुजरात के अंदर, तो यहां पर पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक बने रहे, इनकी स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी और अच्छी आमदनी कमाने भी मदद करेगी। पूरा का पूरा प्रोसेस, कैसे ये काम करते हैं, कहां पर जाके बेचते हैं, कैसे इन्होंने सेटअप लगाया, पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और अगर इस सेटअप को लगाकर आप मेहनत करते हैं तो आप भी महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं, जरूरत है तो सिर्फ मेहनत करने की। दोस्तों आज की वीडियो आपको इंस्पायर कर सकती है, क्योंकि आज हम आप पहुंचे हैं गुजरात के गांव के अंदर करेड़ा, जो कि भावनगर के पास में पड़ता है। और यहां पर इनका जो इस एरिया के अंदर हम खड़े हैं, यहां पर तो इन्होंने एक सेटअप लगा रखा है जिस जहां से वो होलसेल का काम करते हैं। बाहर की साइड इनकी दुकान है खुद की, वहां पर सेटअप लगा के रिटेल में काम कर रहे हैं। हर रोज एक पीस के पीछे 1 रुपया तो होलसेल में इनको मार्जिन मिलता है और रिटेल में जो आगे माल बेच रहे हैं वहां पर 3 रुपए एक पीस के पीछे इनको प्रॉफिट देखने को मिलता है। पूरा का पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे और सारी की सारी चीजें आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से गांव के, ये गांव का घर है, ऊपर की तरफ इन्होंने पूरा सेटअप लगा रखा है, ऊपर से लेकर यहां पर नीचे की तरफ मैं दिखाना चाहूंगा। इधर आइए आप और यहां पर ये देखिए, एक ही मशीन के द्वारा तरह तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर ये रेडी करते हैं और यहाँ पर पूरा ढेर लगा हुआ है। पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, कितनी कॉस्टिंग आती है, कितना रुपए बचता है, ये मशीन यहाँ पर लगी हुई है। क्योंकि हर बार आप कहते हैं सर आप हमें डायरेक्ट जो इस बिजनेस को कर रहे हैं उनके पास लेके जाएं, मैन्युफैक्चरर के पास नहीं, तो पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझाएंगे ये कि कितना इसमें आपको प्रॉफिट होता है, किस तरीके से इसमें काम किया जाता है। और यहाँ पर आगे की तरफ है इनकी शॉप किरियाना की, वहाँ पर भी इन्होंने एक मशीन डाल रखी है जहाँ पर इस प्रोडक्ट को रिटेल के अंदर बेचा जाता है, जहाँ पर मुनाफा आपका ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर जितना भी काम आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये कैप रखी हुई है अलग अलग, और एक ही मशीन के द्वारा तरह तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। वहाँ पर बोतल रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं, कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर मिलता है होलसेल। ये जो आसपास के गाँव हैं वहाँ पर गाँव में जाकर ये इनसे सेल करते हैं। पूरी जानकारी आगे चलकर सर से जानेंगे और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सर नमस्कार, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोर भाई जानी है। और ये कहां पर सर आप अपना काम कर रहे हैं, कौन सा गांव है? अभी करेड़ा गांव है मेरा, भावनगर। भावनगर में। तो सर यहां पर एक ही छत के इस मशीन के द्वारा आप कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हो, क्या करते हो आप इसमें? हम 6 प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मिरिंडा हो गया, लेमन हो गई, ठीक है, स्प्राइट है, अच्छा, सोडा है, ठीक है, जीरा फ्लेवर है, ठीक है, कोला फ्लेवर है, मैंगो है, माजा। अच्छा अच्छा, मतलब इस मशीन के द्वारा फ्लेवर और सोडा जो है वो मिक्स करके भरा जाता है। तो सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये 200 ml की आप बोतल बनाते हैं अलग अलग फ्लेवर के अंदर, तो ये आखिरी जो कस्टमर इसे पिएगा, मान लो मैं पीता हूँ तो मुझे कितने की मिलेगी? 10 रुपये। 10 रुपये की। आपकी कितने में बन के तैयार होती है ये? 6 रुपये। 6 रुपये में बन के तैयार होती है, फिर आप इसे बेचने भी जाते होंगे, वो खर्चा भी लगता होगा, तो कितने में बेचने जाते हो फिर इसको, बिकती कितने में आई है? 8 रुपये। मतलब कि मोटा मोटा 2 रुपये आपका इसके बन जाता है बोतल के साथ। और दिन की कितनी बोतल निकालते हैं इसके साथ? 5,000। मतलब 10,000 रुपये मोटा मोटी प्रॉफिट हो गया। और मैं देख पा रहा हूँ आपने 2 मशीन लगा रखी है, एक तो यहाँ पर लगा रखी है होलसेल के लिए जो आप आसपास के गाँव में सप्लाई करते होंगे, और एक आपने आगे अपनी दुकान के अंदर लगा रखी है वो
डायरेक्ट कस्टमर को बेचने के लिए, वहाँ पर फिर मुनाफा आपका ज़्यादा हो जाता है। तो सर इसका पूरा प्रोसेस दिखाओ हमें मशीन का, ये कैसे काम करती है, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी कई ऐसी है जो गांव से भी है, शहर से भी बिलोंग करती है, तो वो खुद ये चाहते हैं कि ऐसा ऐसी सक्सेस स्टोरी दिखाएं जो भाई कोई गांव से काम कर रहा है या शहर से काम कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर कैसे काम होता है, कहां पर जाके बेचते हैं, वो एक बार पूरा प्रोसेस दिखाओ। आओ सर। तो सर सबसे पहला स्टेप बताओ, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले तो ये पहले आपकी एक बोतल आती है खाली खाली, ठीक है, उसको वॉशर में वॉश किया जाता है। यहाँ पर देखिए, मतलब साफ सुथरा हो जाए, किसी तरह या क्लीन, मतलब हाइजेनिक रखा जाता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से जो बोतल साफ होके आती है, ठीक है, ले आओ उसको इधर, ठीक है, इस मशीन के द्वारा फील किया जाता है, ठीक है, छोड़ दो यहाँ पे। अच्छा, फील से पहले मैं देखना चाहूंगा, जैसे यहाँ ऊपर देख रहा हूँ ये टंकी है, ये क्या, इसमें कौन सा पानी है? आरओ का पानी। आरओ, आरओ की वायर आप ये देख पाएंगे, यहाँ से ये आई हुई है, ऊपर लगा रखा है, ठीक है, आरओ का पानी चाहिए इस सोडे के लिए, ठीक है। और इसमें ये सिलेंडर किस चीज के है? CO2, मतलब आपका सोडा बनाने के, सोडा, ठीक है, पानी और ये CO2 मिलके आपका सोडा बनाएगा, ठीक है, पहले सोडा बनेगा, पहले सोडा दिखाइए। इसमें अभी मिरिंडा बन रही है, ठीक है, ठीक है, तो पहला सोडा बनेगा, ठीक है, फिर इसमें फ्लेवर डालेंगे, ठीक है, अच्छा, ऐसे फ्लेवर बनता है, ठीक है, और यहाँ से कैप सीलिंग होती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब ये बताओ, ये जो मशीन है, जैसे भाई काम कर रहे हैं, तो एक दिन में, मैं दो बंदे काम कर सकते हैं, इधर भी है ये, तो कितनी प्रोडक्शन है, एक दिन में कितनी बोतल निकाल देती है ये? पूरा दिन चलेगी तो 5,000 कंटिन्यू चलेंगे, पूरा दिन का मतलब 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे में 5,000 का प्रोडक्शन, 2 शिफ्ट लगाएंगे तो 10,000 बन जाएगी, 10,000 बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये फ्लेवर आपने इन बॉटल के अंदर, इधर आइए, ये देखिए, यहाँ पर सर ने ये फ्लेवर, जो अलग अलग जीरा फ्लेवर है या मरिंडा का फ्लेवर है, वो यहाँ पर रखे, ठीक है, और ये CO2 का काम करता है, बहुत शानदार। अच्छा, अब बात करते हैं सर, जिस तरह मशीन हमने देखी, इसमें स्टिकर भी लगा हुआ है, बोतल भी, तो ये कहाँ से लेके आते हैं फिर आप? ये डायरेक्ट परचेज होता है। अच्छा, बनी बनाई आप वो कर लेते हैं? प्लास्टिक होता है कैप, और डायरेक्ट मेन्यू जो मैन्युफैक्चरर है ना, ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट ही हम खरीदते हैं, ठीक है। ये 6 रुपये आपकी कीमत आती है इसको फाइनल बनने के बाद। तो सर अब मैं सबसे मेन क्वेश्चन आता है, देखो मशीन भी कैसे कोई बाय कर सकते है, कर सकता है, बेचने की बात आती है, इसे बेचते कहाँ पर जाके आप? हम रिटेल का जो रिटेलर है ना, उसके पास जाते हैं वहाँ बेचने के लिए, ठीक है, आजू बाजू के बगल के जो गाँव है ना, वहाँ पे डिस्पैच करते हैं, हमारा स्पेशल वाहन लेते हैं। तो जैसे आप जाते हैं तो पहले कोई और भाई भी इस लाइन में काम कर रहा होगा, तो फिर आप उसको कम्पीट कैसे करते हैं, भाई कैसे बताते हैं कि जी हमारे वाला बढ़िया है? इसमें फ्लेवर है ना, उससे हम बेच सकते हैं ना। अच्छा, क्योंकि इसमें हम बढ़िया वाला फ्लेवर और जो इसमें जो मटेरियल मिलता है वो सब बढ़िया वाला डालते हैं। क्वालिटी, कहने का मतलब पैसा कम बच जाए, मगर क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आगे वाला कस्टमर आपके साथ जुड़े, ठीक है। और सर अगर कोई नया भाई, मान लो इस काम के, सपोज मैं इस काम को शुरू करता हूँ अपने गाँव से शहर से, तो मोटा मोटी कितनी आमदनी मैं कर पाऊँगा महीने की या एक दिन की? एक दिन की गिन लीजिए आप, पूरा दिन चलाएगा, 5,000 बोतल बनाएगा तो मोटा मोटा 2 रुपये पकड़ लो तो 10,000 मिल जाता है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी किराया भाड़ा लगा, किराया भाड़ा सब कुछ लगा दो तो 5-6,000 तो आराम से मिल जाएगा। ठीक बात, मतलब महीने के 1-1.5 लाख रुपए मेहनत करनी पड़ेगी, मगर मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। और देख पा रहे हो गांव में, यहां पर सर के घर में ही सेटअप किया हुआ है, किराया बचा हुआ है, तो वो आपके ऊपर है, आप अपना खर्चा किस तरह कैसे कंट्रोल करते हैं, आप घर के व्यक्ति हैं, घर के डिलीवरी करने वाले, तो और भी खर्चा बच जाएगा। तो सर मेरा कोई भाई इस वीडियो को देखकर इस काम को स्टार्ट करना चाहे, तो फिर कहाँ से वो मशीन खरीदे, कहाँ से बोतल मिलेगी, क्या कैसे कर सकते हैं? मैंने जहाँ से लिया है ना उसका नंबर और एड्रेस वो सब डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा, ठीक है, उनका नंबर आप मुझे दे देना, मैं स्क्रीन के ऊपर वो कंपनी का नाम फोन नंबर दिखा दूंगा। और सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो में आकर अपनी चीज़ें बताते हैं कि उनको लगता है यार कंपटीशन ना हो जाए, जो भी चीज़ है। और ये आपने दुकान के अंदर मशीन क्यों लगा रखी है? यहाँ पर तो समझ में आता है कि आप पूरे अपने आसपास के गाँव मोहल्लों में इसको सप्लाई करते हैं, वहाँ क्या है? वहाँ लाइव मिलती है ना। अच्छा, काउंटर रिटेल में बेचने के लिए, मोटा मुनाफा कमाने के लिए, ठीक है। अच्छा सर मुझे एक चीज़ और बताइए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ में आ जाता है, तो इसके लिए कोई लाइसेंस की भी जरूरत पड़ी आपको? जी, इसको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो और मिल भी जाता है। कोई ऐसा मुश्किल प्रोसेस नहीं था कि मिलेगा नहीं? ऑनलाइन भी मिल जाता है। अच्छा अच्छा, और ब्रांडिंग ये आपकी खुद की है केसरी जो मैं देख पा रहा हूँ? और मेरी खुद की है। अच्छा अच्छा, ब्रांडिंग मतलब ये सारी चीज में हेल्प है आपको, फिर ये नॉलेज कहाँ से मिली भाई ब्रांड बनाना चाहिए, कहाँ से बोतल लूँ, कहाँ से कैप लूँ? जो हमने मशीन खरीदी है ना। अच्छा अच्छा,
उन लोगों ने सब कुछ करके दिया। अच्छा, पूरी हेल्प करी उन्होंने, पूरे पूरे की पूरी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप भी इस तरीके से अपनी खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं। दो फायदे हैं, एक तो आपका ब्रांड, आपका नाम मार्केट के अंदर चलता है, और उसके साथ साथ आप मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने हर एक चीज पूछने की कोशिश की है, और यहाँ पर इस मशीन को लगाकर आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तरह तरह के फ्लेवर बनाए जाते हैं, लिमका मरिंडा हो गया, स्प्राइट हो गई है, सोडा आप देख पा रहे हैं, जीरा देख पा रहे हैं, इस तरीके से तलक। और सर, एक चीज और देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये आप बंच बना के दिए जाते हैं क्या रिटेल में? कितने का एक बंच बनता है ये? 24 नग का है। 24 नग का, ठीक है। 200 रुपये में बेचते हैं, 200 रुपये के अंदर 24 नग। उस पे 3 गिफ्ट में देते हैं। अच्छा, ये ऑफर अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, आपने पूछा था ना, हाँ हाँ, कैसे बेचते हो, तो इसका अच्छा 3 आप फ्री कर देते हैं, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है, और फिर वो दुकानदार इसको बेचता है 10 रुपये में। 10 रुपये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये सारा काम आप घर से ही करते हैं? इसको पैकिंग करना, पाउच करना, स्टिकर लगाना, सारे काम? बहुत बढ़िया सर। ये तो हमने देखा आपका होलसेल का काम, कि आप अपने आसपास बेचते हैं, आपकी दुकान के अंदर आप रिटेल में जो बेचते हैं वो मशीन भी मैं देखना चाहूँगा, एक बार दिखा दो। चलिए, चलो आ जाओ। तो दोस्तों, ये सर की किरियाना की दुकान है, और साथ में यहाँ पर लाइव कस्टमर आता है उनको देते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने डाल रखे हैं, ये देखिए, आइए। बहुत बढ़िया, ये दे रहे हैं। अच्छा, इसमें अलग अलग जीरा और ये अलग अलग मसाला, ऑरेंज, ये लेमन, सब कुछ लिखा हुआ है। 14 फ्लेवर है इसमें, 14 फ्लेवर है। अच्छा, आप अगर आगे से आएंगे अजीत जी, तो और अच्छे से दिखा पाएंगे, उस साइड से आ जाइए। अभी हम आपको लाइव दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर मतलब कि कस्टमर जो आते हैं उनको डायरेक्ट देते हैं। अच्छा, इसमें ठंडे का भी ऑप्शन होता है, ठंडा भी साथ में हो जाता है? हो जाता है। अच्छा, तो ये देखिए, यहाँ पर कस्टमर खड़े हैं, और ये इन्होंने रिटेल में बहुत बढ़िया काम कर रखा है सर आपने। यहाँ से तुरंत निकालते हैं, और कितने का गिलास देते हैं आप ये? 5 रुपये। अच्छा, ये गिलास है, बोतल नहीं है? नहीं। तो इसमें कितना खर्चा पड़ता है फिर आपका? इसमें 1 रुपये। अच्छा अच्छा, तो ये आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक अगर निकाल के दिखाएं तो सर हमें दिखाओ, हम देखेंगे टेस्ट करके कुछ। ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज दे लीजिए। बहुत बढ़िया। और ये घर की बिजली पे ही चलता है सर? हाँ, बहुत बढ़िया सर। तो किशोर जी, जब आपने इस काम को सेटअप किया, तो ये मशीन कितने की पड़ी आपको? 3 लाख की। 3 लाख की। और भी जैसे आपने शुरुआत करते टाइम आपको बोतल की भी जरूरत पड़ेगी, और भी, तो इनमें कितना खर्चा आ गया? ओ, पूरा का पूरा रॉ मटेरियल आप देख लेंगे तो 1 से 1.25 लाख हो जाएगा। वो हो जाएगा। और इसमें ये फ्लेवर कैसे बनते हैं, वो सारी ट्रेनिंग कंपनी देती है? वो मरिंडा कैसे बनेगा, जीरा कैसे बनेगा, वो सारा उसका पूरे का पूरा सपोर्ट नूतन का ही रहता है। ठीक है, कहने का मतलब 4-5 लाख रुपए में कोई व्यक्ति अपना ये काम स्टार्ट कर सकता है, और मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, बढ़िया से बढ़िया कमा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आपको पूरी जानकारी दी, फिर भी आपके कोई डाउट है तो मैं स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि सर तो खुद देखिए अपना काम धंधा कर रहे हैं, ये आपसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका तो खुद का काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सर ने जहाँ से भी इन चीज़ों को बाय किया था, इस काम को सेटअप करने में कंपनी ने इनकी पूरी मदद की थी, उनका उस कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस मैं पूरा आपको स्क्रीन के ऊपर दे दूँगा। आपके कोई डाउट हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार और ज़बरदस्त वीडियो देखने को मिली होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ, और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।